नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल भरत पंचाल पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे RTI एक्ट के बारे में, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। दोस्तों, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा क्योंकि ये RTI एक्ट आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक्ट सुन के घबरा मत जाना, मैं कोई प्रोफेशनल एडवोकेट की तरह उसको सेक्शन के साथ ब्रीफ नहीं करूंगा। हमें सेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ आसानी से हमारी समझ में आ जाए, ये हमारा मोटो है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले, अगर आपको गवर्नमेंट का कोई भी डिपार्टमेंट है उसमें से आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन निकालनी है, या शायद आपको कहीं ऐसा लगता है कि ये डिपार्टमेंट में कुछ इस जगह कुछ गलत हुआ है, तो वो जो गलत हुआ है उसको फाइंड आउट या पोस्टमार्टम करने के लिए हमें उस डिपार्टमेंट की वो जानकारी चाहिए। उसके सिवा हम ये तय नहीं कर सकते कि यहाँ पे गलत हुआ है कि नहीं हुआ है। तो अगर हमें जानकारी चाहिए तो हमें सबसे पहले वो डिपार्टमेंट में एक RTI करना पड़ेगा। हम RTI थ्रू डिपार्टमेंट में से इन्फॉर्मेशन मांगेंगे कि भाई हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो ये हर कोई डिपार्टमेंट होता है जो गवर्नमेंट का, तो RTI रूल्स के तहत हर एक डिपार्टमेंट में इन्फॉर्मेशन ऑफिसर डिक्लेयर किया हुआ है, और बकायदा ऑफिस के बाहर एक ब्लैक कलर का बोर्ड लगा होगा कि उसमें सारी जो किसको अपॉइंट किया है वो सारे ऑफिसर्स की जानकारी और उनके नंबर रहते हैं। तो वहाँ पे इन्फॉर्मेशन ऑफिसर कौन है वो आपको देखना नहीं देखना कोई चिंता नहीं है। आपको सिर्फ डिपार्टमेंट का नाम मालूम होना चाहिए। आपको RTI फॉर्म में सिर्फ उस डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट का नाम लिखना है और उसका एड्रेस लिखना है, तो वो RTI उसी के पास जाएगी। आप किसी को भी नाम ले लो, लेकिन अगर वो डिपार्टमेंट का वो इन्फॉर्मेशन ऑफिसर से, तो डिपार्टमेंट के कंसर्न जो भी RTI है वो उनके पास ही जाएंगी। उसके पास 30 दिन है आपको रिप्लाई देने का। 30 दिन में उसको रिप्लाई देना है, नहीं तो उसके सर्विस बुक में एंट्री होगी, उसके ऊपर चार्ज होगा, जो भी बहुत सारे जैसे कि कायदे में लिखा है वैसे उस तरह का प्रोसीजर फॉलो होगा उसके पीछे। तो वो लोग आपको 30 दिन में जवाब तो दे देंगे, क्योंकि वो फंसना नहीं चाहते कोई इंक्वायरी में कि ना ही उनके ऊपर कोई कार्यवाही की जाए। इसलिए आजकल सभी डिपार्टमेंट के ऑफिसर आपको 30 दिन में जवाब पक्का दे देते हैं, लेकिन वो जवाब ऐसा घुमा के देते हैं कि जिसे आपने जो मेहनत की RTI करने की और 30 दिन वेट किया वो बेकार में जाएगा। तो सबसे पहले, अगर आप कोई भी RTI करते हैं तो कुछ उनसे क्वेश्चन मत कीजिएगा। आप उनसे इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं, ना ही लीगल असिस्टेंट की तरह उनसे क्वेश्चन मत कीजिएगा। अब RTI में ऐसा नहीं लिखिएगा कि भाई आपके यहाँ ये सारी चीज़ करने के लिए क्या कायदा है, ये आप RTI के अंदर नहीं मांग सकते हैं। अगर आपने लिखा RTI की तो भी वो सामने से जवाब दे देगा आपको 30 दिन के बाद कि आपने जो क्वेश्चन पूछा है वो उसका बेस लीगल है, तो हम लीगल, हमारा डिपार्टमेंट लीगल का नहीं है, तो हम उसके बारे में आपको आंसर नहीं दे सकते। बकायदा आपको किसी लीगल असिस्टेंट की ज़रूरत है या फिर एडवोकेट के पास जाइए, वहाँ से आपको जानकारी मिल जाएगी। तो हम उस डिपार्टमेंट से सिर्फ इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं, जैसे कॉरपोरेशन का डिपार्टमेंट है, या इलेक्ट्रिसिटी का डिपार्टमेंट है, या रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, या सिटी सर्वे डिपार्टमेंट है, DLR कचहरी है। ये सारी चीज़ों में हम सिर्फ आंकड़ा की या माहिती स्टेटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं, उसके लिए कोई भी मना नहीं कर सकता है। तो सपोज़
आप ऐसा मान सकते हैं कि आपकी ऑफिस में कितनी कंप्लेंट्स आई, कितनी कंप्लेंट्स को सॉल्यूशन किया आपने, कितनी अभी पेंडिंग है, ये सारी चीज़ें आप मान सकते हैं। और हमें वही चाहिए, उसी से हमारा काम बन सकता है। अगर किसी को एक्सपोज करना है, पोस्टमार्टम करना है, या जो भी करना है, वो समझ सकते हो उस बात को। तो ये लोग जब आपको 30 दिन के बाद जवाब देंगे, सपोज़ आपने RTI सही की है, स्टेटिस्टिकल रिपोर्ट मांगी है, तो कभी कभी वो लोग सामने वाले को डराते भी है कि भाई आपने जो RTI की थी उसके लिए आपको 15,000 रुपया, 20,000 रुपया, 10,000 रुपया ये माहिती लेने के लिए आपको भरना पड़ेगा। तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, हम वो इन्फॉर्मेशन हम चेक फ्री में कर सकते हैं। अगर फिर वो चेक करने के बाद अगर आपको लगता है कि मुझे इसमें से पर्टिकुलर यही इन्फॉर्मेशन चाहिए, यही पेज की सर्टिफाइड कॉपी चाहिए, तो आप वो मांग सकते हो। एक पेज का 2 रुपया चार्ज है उसका फ़ी, बकायदा ऑथोराइज करके देगा, सिक्का लगा के देगा। तो ये चीज़ से घबराइए मैं। सपोज़ आपको 30 दिन के अंदर जवाब नहीं मिलता है, तो आपको उसी डिपार्टमेंट में एक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर के ऊपर, उनका जो सीनियर ऑफिसर होता है, वो अपॉइंट एज ए अपीलीय ऑफिस, अपील ऑफिसर होता है, अपीलीय अधिकारी, मतलब जिसको आप फर्स्ट अपील करते हैं। फर्स्ट अपील का एक फॉर्मेट आता है, मैं वीडियो में आप यहाँ पे आपको दिखाई देगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट अपील का जो फॉर्मेट है, उसी हिसाब से आपको फर्स्ट अपील करनी है। अच्छा, जो अपील आपने जो पहले RTI की थी उसके अंदर आपको 20 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस है उसकी, वो आप बाय वे ऑफ फ्रैंकिंग करा सकते हैं, 20 रुपये का कोर्ट फीस स्टैम्प लगा सकते हैं, या कैश भी दे सकते हैं उधर, जो भी डिपार्टमेंट में जैसी व्यवस्था है ऐसे। तो ये ध्यान रखना है आप। अच्छा, अब फर्स्ट अपील करने के लिए कोई फीस नहीं है। फर्स्ट अपील के लिए आपको जो पहली RTI की उसकी कॉपी चाहिए, वो RTI के सामने क्या जवाब दिया उसकी कॉपी अटैच करनी है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर RTI किसने दी आपको, वो ऑफिसर का नाम डेजिग्नेशन लिखना है। तो ये सारी चीज़ें लिख के आपको फर्स्ट अपील करनी है। तो जब फर्स्ट अपील उनके पास पहुँचेगी, तो वो आपको बकायदा एक लेटर लिख के आपको इन्फॉर्म करेंगे कि भाई आपने जो RTI की अपील की थी उसका हियरिंग हमने आज ये तारीख को रखा है, तो आपको ये टाइम पे ये ऑफिस में हाजिर रहना है, आपको जाना है। वो आपको पूछेंगे कि आपने आपके अपील के ग्राउंड्स बताइए, तो आप बता सकते हैं उनको कि मुझे 30 दिन में जवाब नहीं मिला, या जो जवाब मिला हो उससे मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं है, या मुझे पूरी माहिती नहीं दी है, पूरे पूरे मीन्स फुल इन्फॉर्मेशन दी है, पार्टली इन्फॉर्मेशन दी है मुझे, ये सारे रीज़न आप दिखा सकते हैं। तो वो जो अपीलीय अधिकारी है वो आपको सुन के एक डिसीज़न पे आएगा कि भाई अगर आपने इनको ये इन्फॉर्मेशन बाकी है देने की, तो आप इनको विद इन वीक में इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। अगर आपने इन्फॉर्मेशन ही नहीं दिया है, तो हम इन्फॉर्मेशन देने के लिए आपको 10 दिन में या 15 दिन में दे देंगे, ऐसा कुछ आपको रिप्लाई देगा। और या फिर वो भी अपने डिपार्ट वो अपने डिपार्ट फाइनली उसको प्रोटेक्ट उसके ही डिपार्टमेंट को करना है, तो वो ज़्यादा आपकी तरफ नहीं बोलेगा, वो अपने डिपार्टमेंट की तरफ ही बोलेगा। ये जाहिर सी बात है, ये ध्यान रखना कि हर बार आपके साथ ऐसा होगा, लेकिन उसके लिए डरने की ज़रूरत नहीं है। उसके ऊपर भी एक डिपार्टमेंट है, वो जो इनकी नहीं सुनता है, जो आपकी सुनता है। तो फिर आप उसको जाने दीजिए, सर मैंने मेरा जो मेरा अपील में जो मेरा ग्राउंड था वो मैंने आपके सामने रख दिया है, वो आगे आपका डिसीजन है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर आप आ जाइए, वो बाय लेटर आपको इन्फॉर्म करेगा कि आपने अपील की इस दिन का हियरिंग रखा था, आप उसमें आए थे, आपने ये रजूआत की थी, ये सर सारी रजूआत हम सुन के हम ये नतीजे पर पहुँचे हैं कि हम ये इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं नहीं दे सकते, या जो भी वो जवाब दे देगा। और बाद में लिखेगा कि अगर आप ये आंसर से संतुष्ट नहीं है, तो आप इसके ऊपर सेकंड अपील के लिए जा सकते हैं। तो
यहाँ तक आपको सबको बराबर समझ में आ गया होगा। अभी मेन चीज़ ध्यान रखना सर, सेकंड अपील अगर गुजरात स्टेट की आरटीआई है तो गांधीनगर में करना है। गांधीनगर में वो ऑफिस का वो एड्रेस कौन सा है मैं स्क्रीन पे दिखा देगा, आप देख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। सेकंड अपील करते टाइम आपको सबसे पहले ही दो चीज़ों का ध्यान रखना है, आप सेकंड अपील भी कर सकते हो या कंप्लेन भी कर सकते हो, दोनों में से आपको सबसे पहले डिसाइड करना है कि आपको सेकंड अपील करनी है या आपको कंप्लेन करनी है। जैसे कि कोई ऑफिसर ने आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, आपने फर्स्ट अपील किया, उसने भी उसको किक आउट कर दिया, तो मीन्स आपके साथ पूरे पूरा अन्याय हुआ है, तो आप एप्लीकेशन फरियाद भी कर सकते हैं। तो फरियाद ऑन बेसिस आरटीआई के एक्ट के जरिए चलेगी और सेकंड अपील भी उसी एक्ट के लिए चलेगा, लेकिन सेकंड अपील के अंदर यह है कि अगर उसकी हियरिंग चलेगी और वो ऑफिसर बकायदा दोषी ठहराता है तो उस पर बहुत सारे चार्जेस लग सकते हैं, बहुत सारे दंड होता है उसको, उसकी सर्विस बुक में एंट्री होती है, उसका प्रमोशन रुक जाता है, यहाँ तक कि कोई कोई आरटीआई जो अधिकारी है उन्होंने ऐसे ऑफिसरों को सस्पेंड भी किया हुआ है, यहाँ तक के दाखले हैं। तो सेकंड अपील में फरियाद मैंने कभी की नहीं है इसलिए मुझे इसका अनुभव है नहीं, लेकिन मैं अभी कुछ केस में जो फरियाद करने वाला हूँ वो भी करके देखूँ उसमें क्या होता है वो भी देख लेते हैं। तो इस तरीके से आप सेकंड अपील का फॉर्मेट है जो स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूँ वो आप देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगा, वहाँ से आप उसको कलेक्ट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, कभी भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है। तो सेकंड अपील का फॉर्मेट है जो पूरा फिलअप करके आपको जो एड्रेस दिया मैंने गांधीनगर का, वहाँ पे बाय पोस्ट आरपीएडी करना है या आप खुद जाके भी इन्वर्ट करा सकते हैं, लेकिन आप आरपीएडी कर देना, आरपीएडी ठीक है। तो वहाँ से आपको कभी भी कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, गलत बात नहीं होगी आपके साथ, क्योंकि आरटीआई का एक वही डिपार्टमेंट लास्ट डिपार्टमेंट है कि जहाँ से हमें कुछ न्याय मिलने की आशा रहती और वहाँ से मिलता है, ये मैंने अनुभव किया हुआ है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो वहाँ से आपकी सेकंड अपील वहाँ पे पहुँच जाएगी, फिर वहाँ पे क्या है कि अभी सेकंड अपील की फरियादें नंबर सब बहुत ज़्यादा है और वहाँ पे कोर्ट चलती है सिर्फ तीन, तीन कोर्ट में मेरे हिसाब से अगर आज की डेट में आप सेकंड अपील फाइल करते हो तो 99% आपका नंबर आएगा 6 महीने के बाद या 4 महीने के बाद, मीन्स मिनिमम 4 महीना तो गिन लीजिए, 4 महीने बाद ही आपका नंबर आएगा। तो वहाँ से बकायदा आपको लेटर आएगा, वो लेटर में लिखा होगा कि ये तारीख को हमने ये नंबर की कोर्ट में आपकी हियरिंग रखी है तो आपको आना है, तो हम जाएंगे, हम जो भी जो नीचे हमने प्रेजेंटेशन किया है वही प्रेजेंटेशन हमको वहाँ करना है, लेकिन नीचे वालों ने उसको गलत तरीके से लिया है तो वहाँ पे उसको हम पूरा सॉर्ट आउट करेंगे और देख लेंगे जो भी है, तो वहाँ से आपको निराशा नहीं मिलेगी, ये मैं पक्का बता देता हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाले वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।